गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन महादेव फैमिली। तो अभी बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन से, तो मेरा काम खाने का शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बैंगन लाए हुए थे कल, तो बैंगन का भरता मैं बना रही हूँ यहाँ पर। और ये है मेरे बेटे का फेवरेट बैंगन का भरता, तो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि चूल्हा तो आजकल जलता नहीं ना, रोस्ट किया गैस के ऊपर ही, पहले ही रोस्ट कर दिया फटाफट जैसे ट्यूशन से फ्री हुई, क्योंकि रोटी बन चुकी है और ये ऐसे थोड़ा सा मुझे घोटना पड़ेगा, फिर देखो क्या बढ़िया टेस्ट आता है इसका। देखो कैसे आ जाती है मेरे हैंड में, ये देखो शी इज ट्राइंग टू फ्लाई, ओ माय गॉड, चिपक गई। बोल रही है मम्मा मैंने नहीं उड़ना, चिपक गई मेरे साथ, सुबह भी ऐसी चिपक गई कि मम्मा मैंने नहीं उड़ना, अब थक गई मैं, आपके ऊपर चढ़ गई। हाँ ऐसे आजा आजा आजा, ये मेरा प्यारा बेटा बैठ गया, कैप्टन जैक स्पैरो, ओ मेरा बच्चा, आजा भैया आजा, मम्मा के हाथ में आजा, आजा 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 आजा, कहाँ जा रही है ये कहाँ जा रही है, ये देखो ये हैंडू पे आ जाती है मेरे, ये देखो इसको डर नहीं लगता मेरे से, पता मेरे साथ करी, ये देखो उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई, इसको मैं ऐसे उड़ना सिखा रही हूँ पता, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू महादेव फैमिली। तो आज है संडे, मेरा है कल साइंस का पेपर, तो मैं तो उसकी तैयारी कर रहा था, तो मम्मी यहाँ पर, आज है श्राद्ध लास्ट, तो मम्मी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं हो चुका है श्राद्ध का रेडी सामान कि नहीं हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग, आज है लास्ट श्राद्ध है ना, और कर दिया मैंने तैयारी ना, तो पूजा की तैयारी कर ले, जय अच्छा, कर ले, मैं जो बाकी है वो बना लेती हूँ सामान, है ना। ये क्या है, बल्ला? हाँ बल्ला नहीं बोलते इसको, पकौड़ी बोलते हैं श्राद्ध की जो पकौड़ी होती है ना, और ये मैं डाल देती हूँ उसके अंदर। तो गाइस ये हो चुका है श्राद्ध का सामान रेडी, यही है ना, मैं देख लेता हूँ अभी श्राद्ध, तो फिर उसके बाद हम खाएंगे, तब तक मम्मी खीर भी बना लेंगे। ये क्या है? ये भटूरू, ये भटूरू बनाएंगे मम्मी, इस साइड को पकौड़ी बनाएंगे, और ये क्या है, ये है कढ़ी, ये क्या चीज़ है, कल क्या लेके आए हम बताना, तो ये तो फीका फीका ऐसा लग रहा है, ये है गैस दाल, ये है दूध, और ये है खट्टा कद्दू खट्टा। गाइस अभी भी कद्दू बचे हुए हैं हमारे पास, कद्दू की बेले तो खत्म हो गई है, देख सकते हैं कद्दू यहाँ पे भी है, और ये बनाए हैं भटूरू। आज है लास्ट श्राद्ध, तो जैसा कि 16 श्राद्ध होते हैं उस तरह से ही श्राद्ध उठाना पड़ता है, जो कौओं का हिस्सा है वो उनको देना पड़ता है, तो उसी तरह से मैंने आज बनाए थे काफ़ी सारी चीज़ें। एक चीज़ थी जो स्किप हो गई, और वो थी जेपू बड़ी, क्योंकि मेरे पास पत्ते अभी मुझे मिल नहीं रहे थे, तो वो नवरात्रि में ही मैं बना पाऊँगी। अभी इसको नोनो को दिया है खाने के लिए, देखो ये कर रहा है प्रार्थना, और कि सुख शांति मिले और आशीर्वाद मिले पितरों का, और इसको दिया मैंने खाना खाने के लिए, और इसने पूजा वगैरह भी कर ली, और ये टेस्ट कर रहा है खाने को, क्योंकि इसको भूख भी लग गई थी काफ़ी ज़बरदस्त, है ना, भूख लग गई थी। कैसा बना है? बहुत बढ़िया, नमक वगैरह ठीक है कि नहीं? बाहर जो है बारिश, लुक्का छुपी होती है ना, सिक एंड हाइड, उसी तरह से गेम खेल रही है, क्योंकि बारिश हो रही है फिर रुक रही है, फिर बारिश हो रही है फिर रुक रही है, इस तरह का आज मौसम यहाँ पर बना हुआ है बारिश का, और अंदर हम लोग कर रहे हैं काम, और अभी मैं बना लेती हूँ, ये काफ़ी सारे भटूरू हैं मुझे बनाने के लिए, तो इनको मैं बना लेती हूँ, और अभी मैंने इतने से बनाए हुए हैं इनको बना लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज सोमवार है और नोनो भी स्कूल चला गया, इसकी मम्मा ने इसको छोड़ा है, देखिए यहाँ पे कर रही है ब्रेकफास्ट, कल का जो बचा हुआ था देखिए, कल की सब्जी है, कल की रोटी और कल की दाल, और ये खा रही है इसको, और यहाँ देखिए मैंने अपने लिए स्पेशल आटा गूंथ के रख दिया हुआ है, क्योंकि कल रात को दिन की आदत खस्ता, इतना ज्यादा खा लिया था कल इन्होंने,
जिसका कोई हिसाब नहीं, और रात को बोलते हैं कि स्कूटी स्टार्ट कर, चल डॉक्टर के पास, पेट चल नहीं रहा है मेरा, फिर उल्टी की। एक्चुअली कल खाना थोड़ा ज़्यादा हो गया मीठा, और वो भी खा लिया मैंने ज़्यादा ही, और ऑयली था पूरा खाना, तो मेरे को सूट नहीं किया, तो इसलिए मैं अपने लिए बना रहा हूँ स्पेशल रोटी, फ्रेश रोटी, और ये खा रही है बासी वाला। तो दोस्तों आज मैं खुद कुकिंग करूँगा, देखिए तवा मैंने रख दिया हुआ है, आटा गूंद दिया है, अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने सुबह 6 बजे धो लिए थे, अब मैंने सोचा आज अच्छी खासी धूप निकली हुई है तो इनको सुखा लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कपड़े। और ये मेरा दूसरा रूटीन वर्क है, क्योंकि मैंने सुबह क्यारियाँ भी साफ़ करी, तो मैंने सोचा कुछ साग सब्जी घर की लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये तो बढ़ गया मेरा क्लोथ हैंगर, रेलिंग पे ही सुखा देती हूँ आधे जितने भी कपड़े हैं। सर्दियाँ मोस्टली शुरू हो ही गई है, क्योंकि जैसा कि न्यूज़ में बताया था, पता तो है ही नहीं मुझे अभी एग्जैक्ट, तो न्यूज़ में बताया था कि रोहतांग वगैरह में बर्फ़ गिर चुकी है टॉप पे, सीज़न की पहली बर्फ़बारी टॉप पे हो चुकी है। सर्दियाँ तकरीबन शुरू हो गई है, क्योंकि रात को ना ठंड हो गई है यहाँ पर हमारे हिमाचल में और महादेव में। थोड़ा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि गर्म कपड़े हैं वो भी निकालने पड़ेंगे, उनको भी धूप लगानी पड़ेगी। मौसम ख़राब हुए एक हफ्ता हो गया है ना, एक हफ्ते से नहीं की हुई है, आज देखते हैं आज बारिश खत्म है। बारिश नहीं, आज धूप है ज़बरदस्त, और आज इनको सुखा लेते हैं, एक दो धूप और लगाएंगे और ये हो गई खत्म। काली हुई है ना, वो फेंकनी पड़ेगी। क्या काली काली हुई है बीच में, वो जो गिल्ली हुई थी उस दिन ना, उसकी वजह से। गिल्ली तो हुई नहीं है वैसे। क्यों नहीं हुई थी उस दिन, तो हुई थी। पता नहीं क्या क्या निकाल रही है, ब्लैक बोल दिया, ब्लैक मक्की है वो साइड में निकालनी। कल जाएंगे पेड़ काटने के, क्यों वही कल जाना? पता नहीं आप देखो, मेरा तो ट्यूशन है। तो खाना तो बनाना पड़ेगा ना, खाना मेरे को क्या, दो चार आदमी तो लाने ही पड़ेंगे काम करने के लिए साथ में। आज बहुत जबरदस्त बड़ा मौसम, जबरदस्त, देखिए कल पूरे बादल थे यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया हो गया आज नीला आसमान। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं, मक्की सुखा दी है, और अब ये काम भी हो गया। इसमें से कुछ जो जैसे बोलते हैं ना कि फंगस लगना, तो फंगस इसमें लगी हुई थी हल्की हल्की, वो बीच बीच में कुछ दाने थे मक्की के, वो भी मैंने छांट दिए। तो ये तो मेरे को बोल रहे थे कि क्या कर रही है पागलों वाली हरकत, तो मैंने सोचा जब सुखाते हैं तो इन फंगस लगे हुए दानों को भी साथ साथ में निकाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये मक्की सुखा दी है, 2-3 दिन अगर कंटिन्यू धूप रहती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। और पीछे आप देख सकते हैं वेदर बहुत ही बढ़िया हो गया हुआ है, और ब्लू बिल्कुल वाइट बादल आए हुए हैं। अब मैंने यहाँ का तकरीबन काम कर लिया, और ये जो यहाँ पर फेंके हुए हैं इस साइड आप देख रहे हैं, गुल्लियाँ बोलते हैं यहाँ पे मक्की जो जिसमें होती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये भी मैं अब 1-2 दिन में जब धूप लग जाएगी अच्छी खासी तो ये उठा दूँगी। और अब मैं नीचे चलती हूँ, थोड़ा बहुत मैंने बाहर की तो सफाई कर ली है, थोड़ा बहुत है मुझे बाहर का काम करने के लिए, तो अब मैं नीचे चलती हूँ, नीचे की तरफ प्रस्थान करती हूँ। ये ख़राब है, यहाँ पर मैंने कपड़े डाले हुए थे सुखाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू धूप थी, सॉरी धूप नहीं थी, बारिश थी। और यहाँ पर भी मुझे बेड वगैरह ठीक करने के लिए है, तो ये भी मैं कर लेती हूँ आज ये काम। कल था बहुत ज़्यादा काम मुझे करने के लिए, क्योंकि कल बोलते हैं ना लास्ट श्राद्ध था, तो वो करना ज़रूरी था, उसका क्या बोलते हैं तर्पण है ना, तो वो लास्ट श्राद्ध मैंने सुबह से मुझे काम करना पड़ रहा था कंटिन्यू। यहाँ पता नहीं क्या फंस रहा है इसका, क्या करता रहता है ये लड़का अपने ड्रॉज के साथ है। कल हमने किया था श्राद्ध, तो उसका ब्लॉग जो बनाया था थोड़ा सा बनाया था, तो वो भी पेंडिंग है, इसी में ऐड कर देंगे उसको। और ये क्या, ये देखिए मेरा पर्स, एक स्टूडेंट मेरा था यहाँ पर, और वो लोग गए थे राजस्थान घूमने के लिए, क्योंकि उसके पापा आर्मी में होते हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा था ये। एक नया बेडशीट आई हुई है ना, जिसके चारों तरफ प्लास्टिक लगे होते हैं, वो इसके लिए लानी पड़ेगी, नहीं तो ये सारे बेडशीट खराब कर देता है। 3 बजे आएंगे ना, 3 बजे आएंगे, 3 बजे नहीं आएंगे आज, 12 बजे आएंगे, एग्जाम है उनका। अच्छा डीएवी वालों का एग्जाम है, महावीर वाले भी आज 12 बजे पहुंचेंगे। मैथ्स वाले आज पता नहीं क्या किया होगा, एक अपने नोनो की टेंशन, एक ट्यूशन वाले बच्चों की टेंशन, दिमाग खराब हो गया मेरा, सबकी टेंशन लेकर के बाजा बज गया फिर से ना।
आज है बारात इनकी, कल है, आज है बारात इनकी, अभी तो क्या बाजा बजा है, रात को बजता है 11 बजे तक, वो है रोन के। तो दोस्तों हमारे पड़ोस में शादी हो रही है, तो आजकल एक तो एग्जाम चले हुए हैं, उन्होंने के एग्जाम नहीं होते तब तो चलो कोई बात नहीं, बट एग्जाम चले हुए हैं जिस वजह से रात को यहाँ पर डीजे लगता है ना, ओ माय गॉड, 11 बजे तक ना तो नींद आ पाती है ना कुछ, क्योंकि हमारे को आदत है 10 बजे सोने की, बड़े रेयरली होते हैं जब हम लेट हो जाते हैं सोने के लिए, अदरवाइज हम 10 बजे करीबन सो जाते हैं। तो पिल्लो वगैरह और कान में रूई वगैरह डाल करके ना हमारे को सोना पड़ा रात को, सारी खिड़कियां वगैरह सब दरवाजे वगैरह बंद कर दिए हमने ताकि आवाज़ नहीं आए, फिर भी आवाज़ आ रही थी, पर थैंक गॉड उन्होंने पौने कर 11 बजे बंद कर दिया। फ्रेंड्स आज हम लोग का सेकंड लास्ट एग्जाम साइंस का था, और जैसा कि अभी मैंने रास्ते में इससे डिस्कशन किया तो कह रहा था कि अच्छा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन पेपर चेक करती हूँ साथ में इसका कि कैसा हुआ है। भाई कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया, डायग्राम वाला किया नहीं, क्वेश्चन है ना दूसरा किया, और मैं जैसे ही मैंने बात लिया वैसे ही फटाफट चली गई थी, और कॉम वगैरह नहीं किया मैंने, नंदी मेरे को टॉफी। ट्रैफिक आज बुरा हाल था, उस शॉर्टकट जो छोटा सा रास्ता नहीं है छोटा सा, उसमें भी आज दो दो तीन तीन स्कूटर थे, पता हॉर्न बजा के भी नहीं रुक रहे हैं, बीच में दे रहे हैं पास से, आ जाओ मैडम जी, बोले आ जाओ मैडम। फ्रेंड्स मैं शॉपिंग कर रही हूँ आज यहाँ पर आयशा ज्वेलर्स की शॉप पे, क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि है तो नोनो के लिए मैंने ये ली चेन, क्योंकि इसका बहुत सारा चांदी का सामान था घर में पड़ा हुआ, तो इन्होंने भैया ने बोला कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हो और उसके बदले में कोई चीज़ बन जाएगी, ऐसे तो पड़े पड़े वो वैसे भी वेस्ट ही है, तो ये नोनो को पसंद आई है चेन, तो नोनो ने ये चेन ली है उसको, और ये मेरा कड़ा था उसको रिप्लेस किया, और यहाँ पर मैंने ली एक तिल्ली अपने लिए, क्योंकि बड़ी सी तिल्ली थी मेरे पास तो उसको मैं पहनती नहीं थी तो वो वैसे ही थी, तो ये मैंने तिल्ली ली है पूरे गोल्ड में, है ना। तो आज मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ थोड़ी सी, वाई थी मैंने लॉन्ग टी शर्ट, क्योंकि मैं सुबह सुबह जाना पड़ता है मुझे रन करने के लिए, ये है डबल एक्सल साइज, ये मेरी सोने की तिल्ली आप देख सकते हैं, मैंने अभी सोमियार से ख़रीद के लेके आई हूँ, और साथ में यहाँ देखिए चांदी का कड़ा, ये भी मैंने आज ही लिया है, मतलब कि मेरे पास जो पहले कड़ा था उसको मैंने रिप्लेस किया है, और ये तिल्ली आप देख सकते हैं ये मैंने आज ली है, काफ़ी बड़ी तिल्ली थी मेरे पास उसको मैंने रिप्लेस किया, उसके बदले में ये लिया मैंने, दोनों को ली एक बड़ी सी चेन, तो आप देख सकते हैं ये की मैंने आज नवरात्रि की शॉपिंग। देखो अब ये मेरी प्यारी सी गुड़िया खुद खाना खाने खा रही है, पहले इसको खिलाना पड़ता था, अब ये खुद देखो दाना खा रही है उठा करके, पहले मुझे इसके मुँह में डालना पड़ता था जबरदस्ती खोल करके, ये कुछ ना कुछ आर्ट करता रहता है, और गन मेरे को लग रहा है गन बना रहा है ये आर्टिफिशियल पेपर से, आर्ट में इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रेदर देन मैथ्स, है ना बेटा, मैथ्स भी अच्छा लगता है ना, तो पेपर अच्छा हुआ, कितने क्वेश्चन छोड़े, छोड़ा नहीं कोई, कोई नहीं छोड़ा, कर दिए सारे, फिर डाउटफुल किसमें है, मैम दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। तो ये है मेरी प्यारी बेटी जिसको मैंने लिया है गोद, और ये मेरी गोद पुत्री है, अब पता नहीं कैसा पेपर करके आई रात को। फ्रेंड्स मैं 2:34 पे उठी हुई हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन, अपने बच्चे के लिए हूँ, आप लोग तो कर देते हैं कि भाई आंटी टेंशन मत लो, लेकिन ये जो मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं ट्यूशन में, उनकी मुझे उनकी भी साथ में टेंशन हो जाती है, पता नहीं कौन क्या कर रहा हुआ, इनको कोई टेंशन है, आपको भी टेंशन है, नहीं है ना, इनको कोई टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है क्योंकि मैं इन बच्चों की भी मदर ही हूँ, अपने बच्चे की भी हुई इनकी भी हूँ साथ में, तो मेरे बेटे का पेपर भी अच्छा हो गया और इनका भी अच्छा हो गया, होप फॉर द बेस्ट कि अच्छे नंबर आए इनके, और भगवान जी से भी यही प्रे करूंगी, आज फर्स्ट नवरात्रि है, तो दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, महादेव फैमिली की तरफ से बहुत सारी खुशियां आपके घरों में आए, तो देखते रहिए महादेव फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।